मिस्ट्री एंड फैक्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंसान पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर चुके हैं और इसके लगभग हर कोने के बारे में जानते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर ऐसी कई जगह हैं जो काफी रहस्यमयी हैं, खासकर पृथ्वी के आइलैंड्स। ये बाकी दुनिया से दूर समुद्र में होते हैं और कई मिस्ट्रीज को छिपाए हुए होते हैं। वैसे क्या आप एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानते हैं जहाँ एलियंस रहते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही 7 मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बताने वाली हूँ। नंबर 7, अर्थक्विक आइलैंड। सितंबर 2013 में पाकिस्तान में एक भयानक अर्थक्विक आया था। इसकी इंटेंसिटी करीब 7.7 मैग्नीट्यूड पर थी। अर्थक्विक के बाद पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास समुद्र में अचानक से 100 मीटर लंबा और 9 मीटर ऊंचा आइलैंड आ गया। अर्थक्विक के बाद जब लोकल लोगों ने इस आइलैंड को देखा तो वो हैरान हो गए। ऐसा लगा मानो ये समुद्र के नीचे पहले से ही मौजूद था। बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक इस आइलैंड के पीछे का रहस्य सामने नहीं आ पाया है। नंबर 6, फ्लोटिंग आइलैंड। अर्जेंटीना के बुएनोस आयरस के पास 120 मीटर डायमीटर के परफेक्ट सर्कल शेप का एक आइलैंड है। इसे साल 2016 में फिल्म डायरेक्टर सर्जियो नॉसपेलर ने खोजा था, और क्योंकि ये इंसान की आंख की तरह लगता है इसलिए इसे फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड एक परफेक्ट सर्कल शेप का है और इसके चारों ओर प्रेजेंट चैनल भी परफेक्ट सर्कल का है। इस तरह ये आइलैंड और चैनल मिलकर खूबसूरत क्रेसेंट मून बनाते हैं। कहा जाता है कि ये आइलैंड अपने एक्सिस पर घूमता है। नंबर 5, डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया इंडियन ओशियन में प्रेजेंट 44 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक आइलैंड है। ऊपर से देखने पर ये किसी बड़े यू की तरह दिखता है। साल 1968 तक यहाँ पर नेटिव ट्राइब के करीब 2000 लोग रहा करते थे, लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया और इस पूरे आइलैंड को अमेरिका को दे दिया। ये आइलैंड एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तीनों के पास है, और इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया हुआ है जिससे वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पर कई सीक्रेट वेपन्स भी छिपाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है। नंबर 4, पार्टरिज आइलैंड। कनाडा के सेंट जॉन हार्बर के पास समुद्र में पार्टरिज नाम का एक आइलैंड है। साल 1830 से इसे कनाडा में आने वाले इमिग्रेंट्स को क्वारंटाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1840 के दशक में आयरिश पोटैटो फैमाइन के दौरान कनाडा में बहुत सारे लोग आए थे, जिन्हें कनाडा में घुसने के पहले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रखा जाता था, जिससे कि कोई भी खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस कनाडा में ना घुस पाए। साल 1941 में इस आइलैंड को बंद कर दिया गया और आज यहाँ कोई भी इंसान नहीं आ जा सकता, क्योंकि सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ है। कहते हैं कि खतरनाक बीमारियों से मारे गए इमिग्रेंट्स की लाशों को इसी आइलैंड पर दफनाया गया था, और इसलिए सरकार अपने नागरिकों को इससे सेफ रखना चाहती है, पर इसका एग्जिट कारण तो आज भी एक रहस्य है। नंबर 3, इजला वेरमेजा। जब हम आज से 400 साल पुराने मैप्स देखते हैं तो उसमें मेक्सिको के युकेटान पेनिनसुला से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र में इजला वेरमेजा नाम के एक आइलैंड के होने की बात कही गई है, लेकिन आज वहां ऐसा कोई आइलैंड नहीं है। मेक्सिको की सरकार ने इसे ढूंढने के लिए एक सर्च मिशन भी चलाया था, जिसमें इस मिस्टीरियस आइलैंड को उस एरिया के चप्पे चप्पे में खोजा गया था और यहाँ तक कि पानी के अंदर भी खोजा गया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ये आइलैंड समुद्र के अंदर समा चुका है, तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि अमेरिका की आर्मी ने इसे बॉम्ब से उड़ा दिया है, क्योंकि अगर ये आइलैंड होता तो मेक्सिको की समुद्री सीमा बहुत आगे बढ़ जाती, और ऐसे में ये अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता था। नंबर 2, सोकोत्रा आइलैंड। यमन के समुद्री किनारे के पास स्थित सोकोत्रा आइलैंड पर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी एलियन प्लेनेट पर आ गए हो, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ज्यादा अजीब हैं।
यहाँ मौजूद करीब 30% प्लांट्स और ट्रीज दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते। इनमें से ड्रैगन्स ब्लड ट्री, बॉटल ट्री और स्ट्रेंज ट्री काफी फेमस हैं। इस आइलैंड पर लाइमस्टोन की बड़ी बड़ी केव्स हैं, जहाँ कई अलग अलग भाषाओं में मैसेज लिखे हुए हैं। कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले यहाँ पर आने वाले सेलर्स ने इन मैसेजेस को लिखा था। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का डीएनए दुनिया के बाकी लोगों से काफी अलग है। कहते हैं कि बाइबल में जिस गार्डन ऑफ इडन का जिक्र है वो सोकोत्रा आइलैंड पर ही था। इतनी सारी चीजों को देखते हुए साल 2008 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। नंबर 1, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट एक आइलैंड है जिस पर चिली का अधिकार है। इसे रापा नुई भी कहते हैं। यहाँ पर करीब 1000 इंसानी सिर जैसे दिखने वाले स्टैचूज हैं, जिन्हें मोई कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इनको किसने बनाया और इनको बनाने का मकसद क्या था। कहते हैं कि आज से करीब 800 साल पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट से कुछ लोग जाकर ईस्टर आइलैंड पर बस गए थे। उन्होंने वहाँ पर खेती की और काफी डेवलपमेंट भी कर लिया, लेकिन फिर उनकी खेती की जमीन कम होने लगी और बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने लगी। साल 1772 में जब यूरोपियंस इस आइलैंड पर पहुँचे तो वो अपने साथ यहाँ कई बीमारियाँ भी लाए। इसके कारण यहाँ की पॉपुलेशन 100 से 200 लोगों की ही रह गई और उन्हें भी इस आइलैंड को छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माने जाने वाले आइलैंड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल मिस्ट्री एंड फैक्ट को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।